अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। ठीक है, सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं। मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना जी, बिल्कुल। फजर में दो होती हैं। फजर में चार होती हैं, दो सुन्नत दो फर्ज। अच्छा, जोहर जोहर में कितनी होती हैं? जोहर में चार। चार सुन्नत चार फर्ज, दो सुन्नत दो नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हैं, हम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह सीमा हैदर की कहानी आजकल पेश की जा रही है। वैसे थोड़ा पीछे पलट कर देखते हैं, कुछ लोगों को मुंह के खाते हुए देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि वसीम रिजवी को कैसे उसने मुंह की खाई और थूक कर चाटने की कैसे आदत, कैसे इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म इख्तियार किया और फिर खुद ही कुछ दिनों में रोने लगा। हाल में कहाँ है, क्या कर रहा है, इसकी कोई खबर नहीं है। लिहाजा इत्तला के मुताबिक वसीम रिजवी खुदकुशी करना चाहता है और इसके लिए उसने अदालत में अर्जी भी दाखिल की है। खैर, आज का मौजू सीमा हैदर पर है, जिसे पबजी प्रेम कहानी के तौर पर मुल्क सतह पर बड़े मजे से बड़े चाव से चर्चा की जा रही है। बड़ा अजीब मामला है और बड़ा चाव लेकर इसका तस्करा गोदी मीडिया में किया जा रहा है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भारत के सचिन से पबजी खेलते हुए प्यार हो गया। दोनों नेपाल में मिले, वहां 7 दिन रहे, फिर सीमा पाकिस्तान गई, फिर टूरिस्ट वीजा लेकर अपने 4 बच्चों के साथ फिर नेपाल आई। सचिन जो एक तारी की लवर बॉय के तौर पर देखा जाए, भारत में पाकिस्तानी सीमा कैसे दाखिल हुई ये भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। सभी जानते हैं पबजी के जरिए ये लव स्टोरी परवान चढ़ी, जिस तरह से सीमा ने अपनी पुलिस तहकीक में बताया। सीमा हैदर ने जो पहले भी शादी की है गुलाम हैदर से, फिलहाल वो सऊदी अरब में रहता है, बिल्कुल गरीब गरीब, इसके साथ भी प्यार ही करके शादी की थी, ऐसा इसकी खुद जबानी में सीमा ने कहा है। कराची में वो ऑटो चलाता था, फिर सऊदी चला गया। 10 मार्च को शारजा से काठमांडू सीमा पहुंची। यहाँ सचिन मीना और सीमा होटल में रहे। काठमांडू से पोखरा और पोखरा से 28 घंटे का सफर तय कर उत्तर प्रदेश के सोनोली बॉर्डर महाराजगंज जिला होते हुए आगरा, नोएडा और फिर दिल्ली पहुंची। 13 जुलाई की रात सीमा हैदर यमुना एक्सप्रेसवे पर फलीदा कट के पास उतर गई, जहां सचिन मीना उसका इंतजार कर रहा था। वहां से सचिन सीमा और बच्चों को ग्रेटर नोएडा में रबुपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में ले गया। यहां सचिन ने गिरजेश नाम के शख्स से कमरा किराए पर लिया था। इस कमरे का किराया 2500 रुपए हर महीना है। आपको यकीनन किसी फिल्म की कहानी की तरह यह सब लग रहा होगा। एक और बात दरमियान में छूट गई, नेपाल के मंदिर में दोनों ने शादी भी कराई है हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक। अब सीमा हैदर हिंदू बनकर रह रही है। कोर्ट में शादी करने की बात आई तो वकील ने सीमा पाकिस्तान की होने की बात सुनते ही यह शादी नहीं हो सकती कहा और कहानी यहीं से मंजरान पर आई। खैर, अब असल मौजू पर आते हैं कि किस इंतहा की लापरवाही भारत सरकार, BSF या खुफिया एजेंसी की नाकामी खुलकर इसमें सामने नजर आ रही है। बजाय सरहद पर रहे तमाम उन खुफिया एजेंसी अफसरान पर कार्रवाई करने के, मीडिया में पबजी लव स्टोरी पर तबसरे किए जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को इस नाकामी पर। सीमा हैदर क्या बेवकूफ है जो लाखों रुपए खर्च कर पाकिस्तान से भारत और अपने बच्चों को लेकर आई हुई है? बजाय प्रेम कहानी पर तबसरा और सुबह शाम टीवी में ये खबरें चलाकर इसके पीछे की असल हकीकत को समझने की कोशिश करते। जरूरत भी यही है कि ऐसे वाकियात पुलिस रिपोर्ट में दर्ज है जहां गैर मुस्लिम जो अपने आप को देशभक्त साबित करते रहते थे, लड़की रुपए के लालच में खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देते हुए इस देश से गद्दारी की है। लेकिन इनको तो जब तक कोई मुसलमान नजर नहीं आता उस तब तक मजा भी नहीं आता। लिहाजा अब सीमा को भी रॉ एजेंट के तौर पर कहते हुए देखा जा रहा है। भले इतने दिन से इस लव स्टोरी का तस्करा मुल्की सतह पर जारी रहा, पर अब कहीं एजेंट कहने की बात कही। अभी भी असल तहकीक हुकूमत नहीं पहुंचे, आज भी इसे पबजी की लव स्टोरी कहा जा रहा है। ये तो सीमा हैदर का पता चल गया, क्या मालूम कि कितने सीमा हैदर आज भी इस तरह बेवकूफ बनाकर भारत में रह रहे होंगे। और इससे बड़े मजे से तबसरा करने का मौजू शायद नहीं है बल्कि अफसोस जताने का है। भारत सरकार पर तो सीधे सवाल उठाए जा सकते हैं। जब लॉकडाउन में पबजी बैन था तो कहां से ये सीमा पबजी खेल रही थी समझ में नहीं आता। इसके पास 4 पासपोर्ट भी कहां से आए? खुद को 5वीं तक सीखने की बात करने वाली अंग्रेजी फर्राटेदार और कंप्यूटर का इल्म भी जानती है, अब तो ये मुसलमान है भी या नहीं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसे ना तो नमाज का कुछ इल्म है और ना ही सना कलमे तैयबा का इल्म है।
अगर ये वाकई पाकिस्तानी मुसलमान है तो इससे कम से कम दीन का तो इल्म होना चाहिए। सीमा हैदर की तफ्तीश तो सख्ती से होनी चाहिए, साथ में सचिन को भी जूते लगाकर पूछना चाहिए कि भारत में क्या गलत काम को अंजाम देना चाहता है। सीमा हैदर तबसरा करने का मौजू नहीं है बल्कि भारत सरकार को डूब मरने का मौजू है, क्योंकि बिना वीजा के कैसे लोग भारत में दाखिल हो जाते हैं। कहने को तो बड़े वजीर आजम और वजीर दाखिला कहते हैं कि भारत में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो पाकिस्तान से इतने जिंदे लोग कैसे दाखिल हो रहे हैं और कई महीनों से यहाँ रह भी रहे, बजाय से जेल भेजने के न्यूज चैनलों को वो आज भी खुलेआम इंटरव्यू दे रही है। सीमा एक शातिर खुफिया एजेंट नजर आ रही है और सचिन भी बेवकूफ बनने का नाटक करते हुए नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या साजिश है इसे जल्द समझने की जरूरत है। बिना वीजा के और कितने लोग भारत में दाखिल हुए हैं इसके लिए सीधे मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए, बजाय लव स्टोरी के मुस्लिम सीमा हिंदू बन गई पाकिस्तान की सीमा हिंदू बन गई कहकर ढिंडोरा पीट कर होशियार मारने की बजाय खुफिया एजेंसियों की नाकामी पर तबसरा करे। बेहतर है अपनी नाकामी को भारत सरकार कबूल करे और झूठी फर्जी फिल्मी कहानियों से बाज आए। और कितने सीमा हैदर यूं ही भारत में दाखिल हुए इस पर तवज्जो दे, वरना मुल्क में अनहोनी होने से इनकार नहीं किया जा सकता, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।